Hey guys, welcome back to our channel and travel stories. मेरा नाम है स्नेहा और ये चैनल पे मैं अक्सर ट्रैवल और इंफॉर्मेशनल वीडियो शेयर करती रहती हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ जो आपको जर्मनी आने के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो अक्सर बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि उनको जर्मनी आना है और कौन से टाइप का वीज़ा उनको लगाना चाहिए ताकि वो यहाँ पे आ सके, मे बी पढ़ाई करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ रीजंस होते हैं जिससे आप जर्मनी आ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप कौन से टाइप का वीज़ा लगा सकते हैं जर्मनी आने के लिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको कौन सा वीज़ा आपके लिए सूटेबल है उसकी जानकारी मिल सके। So, let's get started. तो सबसे पहला हमारा वीजा कैटेगरी है वर्क वीजा फॉर क्वालिफाइड प्रोफेशनल। अगर आपके पास एक जॉब है तो आप ये वीजा लगा के जर्मनी आ सकते हैं। और इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास ऑलरेडी एक जॉब होना चाहिए जो कि आपके जो क्वालिफिकेशन है उससे मैच करता है। तो आपने इंजीनियरिंग में डिग्री ली है तो उसी से रिलेटेड आपको अगर जॉब मिला है तो आप ये वीज़ा पे जर्मनी आ सकते हो। और ये वीज़ा होता है 4 इयर्स के लिए। और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ वो इससे कम है तो आपके लिए वो वीज़ा उतने ही ड्यूरेशन का होगा। और ये वीज़ा पे एक फ़ायदा होता है कि अगर आप अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आना चाहते हो तो आप ये वीज़ा पे लेके आ सकते हो। सो सेकंड टाइप ऑफ वीज़ा है EU ब्लू कार्ड वीज़ा। ये भी एक तरीके का जॉब वीज़ा ही है। इस पे अगर आपके पास एक ऑफ़र लेटर है जो कि आपके क्वालिफिकेशन से मैच करता है तो आप ये वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इस पे कुछ सैलरी रेस्ट्रिक्शन होते हैं जो कि दो कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है कि अगर आपका सैलरी 56,800 पर ईयर अगर है तो ही आपको ये वीज़ा मिल सकता है। और कुछ प्रोफेशंस के लिए ये कैटेगरी थोड़ा लीनियंट होता है, जैसे कि अगर आप मैथमेटिक्स में हो, कंप्यूटर साइंस किया है, या फिर मैं आपको ऊपर अटैच कर दूंगी वो सारे डिग्रीज जिनमें अगर आपका प्रोफेशन है तो फिर आपके लिए ये सैलरी रेस्ट्रिक्शंस थोड़े लीनियंट हो जाते हैं। तो ये स्पेशल प्रोफेशन के लिए आपकी सैलरी 44,304 यूरो पर ईयर अगर है तो आपको ये ब्लू कार्ड वीज़ा मिल सकता है। और EU ब्लू कार्ड वीज़ा पे भी आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं और ये आपको मिलता है मैक्सिमम 4 इयर्स के लिए। अदरवाइज़ आपका जितना कॉन्ट्रैक्ट है उसके प्लस 3 मंथ्स आपको ये वीज़ा इशू होता है। अगर आप कोई बाहर के कंट्रीज से जर्मनी में जॉब अप्लाई करना चाहते हो तो फिर मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया है कि आप कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हो। तो फिर ऊपर के कार्ड में आपको वो वीडियो दिखेगा और मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगी ताकि आप उसको चेकआउट कर सकें। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरी जो है वीज़ा फॉर जॉब सीकर। अगर आपका जॉब बाहर की कंट्री से ढूंढने में आपको डिफ़िकल्टी जा रही है तो फिर आप जर्मनी में आके भी जॉब सर्च कर सकते हो। और उसके लिए ये वीज़ा होता है जो कि सिर्फ जॉब सीकर के लोगों के लिए होता है। और इस वीज़ा के थ्रू आप 6 महीने तक जर्मनी में स्टे कर सकते हो और उसी दौरान आप जॉब सर्च कर सकते हो। ये वीज़ा की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको दिखाना होगा जर्मन कॉन्सुलेट को कि आपके पास ये 6 महीने जो आप जर्मनी में रहने वाले हो उसके लिए फंड्स है कि नहीं। इसके लिए आपके ब्लॉक्ड अकाउंट्स में आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट उनको दिखाना होगा। अदरवाइज़ आपका कोई रिलेटिव जो जर्मनी में रहता हो उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन करना पड़ेगा कि वो लोग आपको स्पॉन्सर करेंगे या फिर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। इससे फिर आप ये जॉब सीकर वीज़ा ले सकते हो। इस वीज़ा के बेसिस पे आप 6 महीने तक जॉब सर्च कर सकते हो। अगर आपको जॉब मिल जाता है जर्मनी में तो आप ये वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हो एक वर्क परमिट में। और अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो आपको 6 महीने बाद वापस से अपने कंट्री जाना होगा और उसके बाद कुछ 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड होता है, या फिर अगर आपने उससे कम स्टे किया है जर्मनी में तो उतने मंथ्स का आपको कूलिंग पीरियड होगा और उसके बाद आप ये वीज़ा रीअप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीज़ा है स्टूडेंट वीज़ा। अगर आप जर्मनी से कोई डिग्री करते हो तो आपके लिए कई सारे दरवाजे खुल जाते हैं।
जर्मनी में एजुकेशन का कॉस्ट भी काफ़ी कंपैरेटिवली लो है और यहाँ पे कई सारे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स भी ऑफर होते हैं। तो ये वीज़ा का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप कोई यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेड है कोई कोर्स करने के लिए, और आपको दिखाना होगा कि आप यहाँ पर रहने के फंड्स कवर कर सकते हो। उसके लिए आप ब्लॉक्ड अकाउंट में कुछ 10,000 यूरो पर ईयर आपको दिखाने होंगे। अदरवाइज़ अगर आपके पास स्कॉलरशिप है तो आप वो दिखा सकते हो, या फिर किसी रिलेटिव ने आपका डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट साइन किया है तो वो भी एज अ प्रूफ ऑफ कवरिंग योर कॉस्ट चलता है। सो यू कैन चूज़ अ कोर्स जो कि इंग्लिश या फिर जर्मन लैंग्वेज में होता है, और अगर आपका कोर्स जर्मन लैंग्वेज में है तो आपको आपके जर्मन कॉन्सुलेट को दिखाना होगा कि आपके पास जर्मन स्किल्स है, और उसके लिए आपको एक जर्मन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। आपको ये वीज़ा 1 साल से लेकर 2 साल तक का मिलता है, जो कि आप लेटर ऑन एक्सटेंड भी कर सकते हो। और इसी के साथ साथ आपके स्टूडेंट जॉब्स के साथ आप काम भी कर सकते हो फॉर 120 फुल डेज या फिर 240 हाफ डेज। और जैसे आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद आप रेसिडेंस परमिट फॉर जॉब सीकर अप्लाई कर सकते हो। ये 18 मंथ्स तक का होता है, और ये 18 मंथ्स में आप जॉब सर्च कर सकते हो और कुछ अदर जॉब्स भी कर सकते हो, जब तक कि आपको एक राइट क्वालिफाइड जॉब आपके प्रोफेशन में ना मिल जाए। नेक्स्ट वीज़ा है वीज़ा फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अगर आप जर्मनी में स्कूल बेस्ड या फिर कंपनी बेस्ड ट्रेनिंग लेने आना चाहते हो तो आप ये वीज़ा पे आ सकते हो, लेकिन इसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी एज 25 ईयर्स या उसके अंडर होनी चाहिए। और जो अदर रिक्वायरमेंट्स है कि आप ऑलरेडी एक्सेप्टेड हो कोई कंपनी में या स्कूल में वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, और आप अपना कॉस्ट कवर कर सकते हो जितने टाइम आप यहाँ पर रहने वाले हो, तो इस बेसिस पे आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। और अगर आपका जो ट्रेनिंग जर्मन लैंग्वेज में है तो आपको एक B1 का सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा कि आपको B1 लेवल का जर्मन आता है। जब आपका ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी एडिशनल 12 मंथ्स तक आप जर्मनी में रह सकते हो और एक प्रॉपर जॉब सर्च कर सकते हो जो करस्पॉन्ड करता है आपके वोकेशनल ट्रेनिंग को। नेक्स्ट टाइप ऑफ वीज़ा जिससे आप जर्मनी आ सकते हो वो है रिसर्च वीज़ा। अगर आप एक रिसर्चर हो और जर्मनी में आके रिसर्च करना चाहते हो तो आप रिसर्च वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ऑलरेडी एक PhD डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप PhD अभी कर रहे हो तो फिर आप इसके लिए अप्लीकेबल होते हो। इसके साथ एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ आपका एक वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक होस्टिंग अग्रीमेंट होना चाहिए, जिसमें कि वो लोग आपका सारा एक्सपेंस कवर करना चाहते हो, तो आप ये वीज़ा के लिए अप्लीकेबल हो जाते हो। और अगर आप ये वीज़ा पे जर्मनी आ रहे हो तो फिर आप टीचिंग जॉब भी ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ वीज़ा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। ये उन लोगों के लिए है जो कि अपना बिजनेस चालू करना चाहते हो या फिर फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। तो बिजनेस पीपल के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है वो हम देखते हैं। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रोवाइड करने वाले हो वो बहुत रीजनल डिमांड में है, या फिर आपका जो कंपनी है वो इकोनॉमी के लिए फ़ायदे का है। इसके साथ साथ आपको आपका फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाना पड़ेगा कि आप कैसे ये कंपनी को सपोर्ट करोगे। अगर आप फ्रीलांसिंग के लिए ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आपको प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाना होगा। ये वीज़ा आपको जनरली 3 इयर्स तक का मिलता है, और अगर उसके बाद आप प्रूफ कर सकते हो कि आप सक्सेसफुली आपका जो कॉस्ट है वो कवर कर सकते हो तो आपको ये वीज़ा का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ वीज़ा है इंटर्नशिप वीज़ा। आप इंटर्नशिप करने के लिए भी जर्मनी आ सकते हो। इसके लिए आपका जो इंटर्नशिप कोर्स है वो आपके स्टडीज़ को करस्पॉन्ड करना चाहिए, और जो फैसिलिटी आपको इंटर्नशिप के लिए बुला रही है आइदर वो आपका कॉस्ट स्पॉन्सर कर रहे हो या फिर आप पब्लिक फंड से भी इंटर्नशिप कॉस्ट कवर कर सकते हो। ये मैक्सिमम आपको 6 मंथ्स तक का मिलता है, और अगर आप इंटर्नशिप करने जर्मनी आ रहे हो तो इसके साथ आप कोई अदर जॉब नहीं कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीज़ा है अगर आप जर्मनी में आके जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हो उन लोगों के लिए, तो ये वीज़ा आप लेके एक इंटेंसिव कोर्स में रजिस्टर कर सकते हो जो कि
डेली होगा या फिर एटलीस्ट 18 आवर्स पर वीक होना चाहिए। अगर आप कोई इवनिंग या फिर वीकेंड कोर्स ढूंढते हो तो ये वीज़ा के लिए सफिशिएंट नहीं होते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप जितने टाइम के लिए जर्मनी आ रहे हो आप आपका फंड्स कवर कर सकते हो। और जब आप ये वीज़ा पे आते हो तो आप यहाँ पे जॉब नहीं ढूंढ सकते हो। जो हमारा लास्ट वीज़ा है वो है वीज़ा फॉर स्पेसिफिक लेबर। ये उन लोगों के लिए है जो कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग करता है, जैसे कि आईटी स्पेशलिस्ट या फिर प्रोफेशनल ड्राइवर, आर्टिस्ट, लैंग्वेज टीचर्स, या फिर अगर आप प्रोफेशनल एथलीट या कोच हो तो आप ये वीज़ा के बेसिस पे जर्मनी आ सकते हो। और ये कैटेगरी पे डिपेंड करेगा कि आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप वो चेक कर सकते हो। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था हमारा वीडियो अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ा जिससे कि आप जर्मनी आ सकते हो। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेशनल वीडियोस के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।